आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बिजनेस बढ़ भी रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है? बहुत सारे बिजनेस की ये प्रॉब्लम है, काम करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने एक पैसा डाला था स्टार्टिंग के अंदर, धंधा चल रहा है, प्रॉफिट आ रहे हैं, लॉसेस भी हो रहे हैं, जब पैसों की जरूरत होती है तो पैसा निकाल लेते हैं और उससे घर के खर्चे निपटा लेते हैं और चलते रहते हैं। तो कैसे पता लगेगा बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा? अकाउंट से, ठीक है, अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बने हैं लॉजिकली। आज के टाइम पे अकाउंटिंग सीए का काम हो गया, हमने सोच के रखा है भाई सीए देखेगा सब कुछ। लॉजिकली अकाउंटिंग बिजनेस ओनर के लिए है, ना कि सीए के लिए। बिजनेस ओनर अपना बिजनेस खुद एनालाइज कर पाए कि यार ये जो मैं खर्चे कर रहा हूँ कहाँ पे ज़्यादा खर्चे कर रहा हूँ, पिछले महीने का मेरा रेवेन्यू क्या था, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, पिछले छः महीने में मैंने कितना कमाया, पिछले एक साल में कितना कमाया, आज से एक साल पहले मेरा कितना रेवेन्यू था, आज कितना है। और ये नंबर्स कब आते हैं? रिटर्न फाइल करने होते हैं 90% लोगों को कि भाई पिछले साल की आपकी इतनी रिटर्न फाइल करी थी, इस साल की हम इतनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बनाए गए ना, वो इसलिए बनाए गए ताकि आपको नंबर्स दिखाई दे, आप कितना काम कर रहे हो, मंथली आप ग्रो कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, ये इसलिए बन रहा है सब कुछ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक और चीज ट्रैक हो जाती है जो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब कितना माल पड़ा है, कोई माल गायब तो नहीं कर रहा बीच में से, वो भी ट्रैक हो जाता है। कि जैसे कि मान लो आपका गोदाम है, वहां पे माल पड़ा हुआ है, अब जितना माल आ रहा है जितना जा रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो रहा है, आया तो प्लस हो गया, गया तो माइनस हो गया। अब बीच में अगर कुछ मिसिंग रहा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई यहाँ मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर बता रहा है कि दो प्रोडक्ट पड़े पर असली में नहीं पड़े, तो मतलब दो कहीं गायब हुआ है, मतलब स्टाफ को पकड़ सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे ये सारी चीजें। अकाउंटेंट होने के बाद भी आपने अपने अकाउंट्स में बिल बुक में, क्योंकि गवर्नमेंट को बिल बनाने होते हैं इसलिए बिल बना रहे, वो सबमिट कर रहे हो, उसके बाद अकाउंटेंट एंट्री कर देता है उसकी जी। और अकाउंटेंट एंट्री करने के लिए क्यों कर रखा हुआ है आपने? क्योंकि भाई उसको टैक्स फाइल करना है, क्योंकि उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। ये जो चीजें बनाई गई है ना, आपके लिए भी बनाई गई है, प्लीज जाके चेक करा करो। अगर आप खुद नहीं समझ सकते, अपने अकाउंटेंट या सीए जो भी है उससे पूछा करो, यार पिछले महीने का रेवेन्यू कितना था, कितना लॉस था, कितना प्रॉफिट था, मुझे बना के दिया गया, मेरे को एक्सपेंसेस का ब्रेकेज दिया कर, मेरे जो खर्चे हुए किस किस वर्टिकल में कितने कितने हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।